दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हो गया है 9 मार्च 2020 और 9 मार्च 2020 को मोदी सरकार की तरफ से राशन कार्ड वालों के लिए एक बड़ी खबर आई है। जो बड़ी खबर आई है वो राशन कार्ड वालों के लिए है। जी दोस्तों, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तब आपको ये जान लेना चाहिए कि कौन सी बड़ी खबर आई है। और मोदी सरकार ने राशन कार्ड वालों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, कुछ नए नियम, कुछ बड़े बदलाव किए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कौन से नए नियम कब किए हैं। इस वीडियो में आगे आपको फुल डिटेल के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आपको पता है राशन कार्ड धारकों के लिए मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, नए और पुराने दोनों राशन कार्ड पर होगा लागू। आपको बता दें यदि आप भी भारत के नागरिक हैं और राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आज आपके लिए सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी आई। दरअसल केंद्र सरकार ने जन वित्त प्रणाली की नई व्यवस्था वन पेंशन वन राशन कार्ड योजना में लाभार्थियों के पास पुराना राशन कार्ड है तो उन्हें नया राशन कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा। नए नियम के तहत अब देश में किसी भी हिस्से में राशन कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा और उन्हें पुराने राशन कार्ड के जरिए ही आसानी से राशन मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले कई लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि नई योजना लोगों को नया कार्ड बनवाना पड़ेगा। इस खबर के बाद लोगों का में अफवाह करने के लिए भ्रम फैला रहे थे कि नई योजना में नया कार्ड बनवाना पड़ेगा। इसके लिए वह कुछ लोगों से पैसे भी ले रहे थे। ऐसे में एक ग्राहकों को दिल्ली पुलिस ने हाल ही में पकड़ लिया, जिसके बाद अब इस पर कार्रवाई ज़्यादा से तेजी से चल रही है। आपको बता दें रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी 1 जून से इस योजना को लागू करने का विचार चल रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश में इस योजना को शुरू कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली में यह योजना कब तक लागू होगी इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। जी दोस्तों, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तब आपको अब नया राशन कार्ड नहीं बनवाना होगा। बस आपके पास जो पुराना राशन कार्ड है उसी राशन कार्ड से आपको अब राशन दिया जाएगा। तो सरकार ने राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब कहीं से भी नहीं बनवाना पड़ेगा, अब वो अपना पुराने राशन कार्ड से ही राशन ले पाएंगे। तो दोस्तों यह आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ ताकि सभी लोग इस जानकारी को मालूम हो सके और इसका पता लग सके।